सभी को राम राम। श्यामलाती जमीन की मालिक होगी सरकार, लेकिन बसे रहेंगे काबिज लोग। मुस्तरका और जुमला भूमि का मालिकाना हक पंचायतों और स्थानीय निकायों के नाम करने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर बात यह है, सरकार पीछे अभी नहीं हट सकती। रटना पॉसिबल भी थोड़ा कम ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये हटना चाहते भी नहीं। चलो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जो चैनल पर नए आए हैं, वे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करियो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। इसमें श्यामलाती यानी पंचायती, एक बात और, जिस ज़मीन पर श्यामलात लिख दिया ना वो पंचायती मानी जाती है भाई। रिकॉर्ड के अनुसार जो 1961 का एक्ट है ना, उसके अनुसार श्यामलाती ब्रैकेट में पंचायती ज़मीन के मालिकाना हक के विवाद को सुलझाने के लिए बीच का रास्ता निकालने में जुटी प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त राजस्व VS कुंडू ने सभी उपायुक्तों को लिखित आदेश जारी किए हैं कि मुस्तरका और जुमला मालकान भूमि का मालिकाना हक पंचायतों और स्थानीय निकायों के नाम कराया जाए। हालांकि इस बात का कोई जिक्र इस आदेश में नहीं है कि ऐसी ज़मीनों पर काबिज लोगों को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। माना जा रहा है कि काबिज लोग पहले की तरह ऐसी ज़मीनों पर अपने काम धंधे करते रहेंगे, क्योंकि फिलहाल हंगामे काफ़ी होने के आसार है। इसलिए काबिज तो वही रहेंगे जिसका कब्जा है, लेकिन जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें उनका नाम हट जाएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड में पंचायत के नाम हो जाएगी वो ज़मीन, और पंचायत के नाम होने पर कब्जा तो फिर कद्दे छुटवा लो, गांव के छुटवा देंगे आपस में केस कर करके। लेकिन सरकार अवैध कब्जे ज़रूर हटवाएगी, जो अवैध हैं वो तो ज़रूर हटवाओगे भाई, जुमला वगैरह तो चाहिए थोड़े बहुत दिन और चल जा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को जयसिंह बनाम हरियाणा सरकार के मामले में आदेश दिया था कि मुस्तरका और जुमला मालकान भूमि को लेकर निजी लोगों के नाम हुई रजिस्ट्रियों को रद्द कर इसका मालिकाना हक पंचायतों और स्थानीय निकायों के नाम किया जाए। इसके बाद वित्त आयुक्त राजस्व ने 21 जून को सभी उपायुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने के आदेश जारी किए थे। प्रदेश सरकार ने जमीन का मालिकाना हक बदलने की प्रक्रिया बीच में रोक दी थी भाई। बात यह है, 2-3 में तो रोक ली प्रक्रिया, पहले ऑर्डर जारी किया ये 21 जून का, फिर मना कर दिया भाई ऐसे तो कोर्ट केस हो गए थे उस पर, बिना नोटिस दिए कैसे बदल उसको हो। फिर दोबारा नोटिस जारी किया, अब भाई जिसका कोर्ट केस वगैरह है या इनको पहले नोटिस दो और इनको पूरा जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत इनका कब्जा हटाओ और इनकी मिल्कियत चेंज करो। फिर कुछ दिन पहले CM साहब ने बयान दिया कि हम नहीं बदलेंगे, इसके लिए कानून बनाएंगे। लेकिन फिलहाल का सिचुएशन यह है, अभी फिलहाल कोई कानून नहीं है और ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो चेंज किए जाने के ऑर्डर हैं, और वो अंदर खाते चेंज हो भी रहा। हालांकि फिलहाल किसी कब्जाधारी को छेड़ा नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता फिलहाल छेड़ा जाएगा। हो सका है वो लंबे समय तक भी काबिज रहे रहें, क्योंकि लोग देखो कोर्ट में तो जाओगे, कोर्ट में इन पालक से केस पड़े रहेंगे। ये ज़मीनी मामले आ गए हैं, दीवानी केस हैं, इनमें और ज़्यादा समय भी लग जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है भाई, देखो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर है, 2 बार ऑर्डर आ लिया और राज्य सरकार की अपील पाया, तो इस पर कानून कानून बन की गुंजाइश भी कम है। वैसे तो सरकार की मर्जी है, चाहो तो कुछ बना लो, लेकिन जिन्होंने केस किया है या जो आदमी ऐसे हैं जो इसे अवैध कब्जे को छुड़वाना चाहते हैं वो जरूर जाओगे और मानना वगैरह में, क्योंकि वह तो नहीं कहेंगे ना भाई लागू होना चाहिए। इतने साल में तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, क्योंकि कई जगह शिकायत भी है, कई गाँव में बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़मीन है उस पर कुछ ही आदमियों का कब्जा है, अवैध कब्जा भी है, कई आगे नाम भी है, कई आगे जुमला मुस्तरका है, किसी कुछ है कुछ ही कुछ है, लेकिन उन पर और कई जगह बिल्कुल अवैध कब्जे भी हैं। तो बातें तो सारी हैं, पर फिलहाल रेवेन्यू में इनका जो है ना नाम चेंज हो रहा है, फिलहाल इन पर शामला ज़मीन की मालिक सरकार होगी। कुल मिलाकर बात ये है। धन्यवाद।